आज ये पावन पवित्र दिन आत्मशुद्धि का दिन, आत्मविशुद्धि का दिन, क्षमावाणी पर्व का दिन, जब हमने 10 धर्मों को अपने अंदर धारण किया, 10 धर्मों को अपनाया, क्षमा से जैन दर्शन क्षमा से प्रारंभ हुआ, ये 10 धर्म क्षमा से प्रारंभ हुआ, क्षमा पर ही खत्म होते हैं। क्षमा पृथ्वी का नाम है, क्षमा पृथ्वी के जब पर्यायवाची नाम आप सुनोगे तो इसमें क्षमा नाम का नाम आएगा, पृथ्वी भूमि भू क्षमा। पृथ्वी का नाम क्षमा क्यों रखा, कभी छोड़ता कभी सोचा ऐसा कि पृथ्वी का नाम क्षमा, जो क्षमा पृथ्वी ग्रहण कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। एक मिट्टी से पूछो, एक कुंभकार उसे खोद रहा है तब भी कुछ नहीं कह रही है, उसे गला रहा है तब भी कुछ नहीं कह रही है, उसे चाक पर घुमा रहा है तब भी कुछ नहीं कह रही, उसे अग्नि में जला रहा है तब भी कुछ नहीं कह रही। इतना सहने पर भी तुम खोदो, तुम उस पर कुछ भी पटको, उस पर कुछ भी गिराओ, उस साथ कुछ भी व्यवहार करो, आपको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, इसी का नाम क्षमा है। कितनी भी क्रियाएं होती रह जाएं, कितनी भी लोग क्रियाएं करते रहें, कितना भी प्रकार से क्रोध गुस्सा दिलाने का प्रयास करें, तब भी मन में ऊपर गुस्सा नहीं, नहीं तो ऊपर से गुस्सा नहीं है, उसका नाम क्षमा है। कि हमको देखो कितने सारे लोग गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन हम तो अपने मन को सोच के रखें आज गुस्सा करेंगे नहीं, वो क्षमा नहीं। कितना भी क्रोध के साधन मिल जाएं, कितने भी गुस्से के साधन मिल जाएं, बाहर तो बाहर अंदर में भी उसके प्रति अशुभ भाव नहीं आना, ये है क्षमा वाणी। वाणी से क्षमा तो सब मांग लेते हैं, आज नाम भी देखो क्षमा वाणी है, वाणी की क्षमा। लेकिन वाणी की क्षमा के साथ साथ अंदर की क्षमा होना चाहिए। वाणी की क्षमा तो 2 मिनट की होती है, बस एक मैसेज की होती है। एक आपने मैसेज किया कि वर्ष भर में जितने भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलतियां हुई हों तो हमको क्षमा करें, उत्तम क्षमा, हाथ जोड़ दिया, बस इतनी सी है नहीं जी। यही तो है एक मैसेज, देखो एक स्लोगन लिखा होगा कोई अच्छा सा, एक बढ़िया सा एक स्लोगन लिखा होगा कि क्या ही है पुरानी बातों को याद रखकर दिन निकल जाते हैं, रात निकल जाती है, जीवन निकल जाता है और सब मर जाते हैं, इसलिए उत्तम क्षमा। कुछ ना कुछ नया नया अनेक प्रकार से कोई फोटो बना के, कोई चित्र बना के, कोई ग्राफिक्स करके, इस तरह अनेक प्रकार से सब एक दूसरे को भेजेंगे और एक वाणी की क्षमा, बस एक स्लोगन भेज दिया हो गई क्षमा वाणी। और इसी इधर इधर स्लोगन भेजते जा रहे हैं, उधर एक दूसरा मैसेज आ रहा है, ए ज़्यादा नहीं बोलना, देख जानते नहीं तू कौन है मुझे। इधर एक मैसेज में कर रहे हैं उत्तम क्षमा, और वहीं दूसरे मैसेज, आज तू आना मैं तुझे बताऊँगा। एक ही दिन क्षमा वाणी, एक ही दिन क्रोध वाणी। क्षमा वाणी का आधार ही भी आत्मा था और इस क्रोध वाणी का आधार भी आत्मा ही था। समय एक ही है, एक व्यक्ति से कह रहा है उत्तम क्षमा और एक व्यक्ति से आसपास मेरे घर में आ नहीं जाना, तेरी शकल देखना पसंद नहीं कर रहा। क्षमा सिर्फ वाणी की थी, अंतरंग की नहीं थी। हमने धर्म सिर्फ बाहर का ही समझ के रखा है, बाहर से ही प्रारंभ किया और बाहर पे ही खत्म कर दिया। शरीर से धर्म प्रारंभ किया और शरीर पे खत्म कर दिया। उपवास से प्रारंभ किया था शरीर के, और उपवास की समाप्ति पर हमने मान लिया हमारा परिश्रम हो गया पूरा। उपवास से पंचमी के दिन उपवास से प्रारंभ किया और चतुर्दशी का उपवास कर लिया हमने, 10 लक्षण कर लिए।
हमने 10 दिन उपवास कर लिए, हमने 10 लक्षण कर लिए, हमने 10 व्रत कर लिए, हमने 10 लक्षण कर लिए। हमारा धर्म हमने सिर्फ शरीर से ध्येय आश्रय धर्म को हमने सीखा है, आत्माश्रय धर्म हमने जाना ही नहीं है। हम बस ध्येय को सुखाने को धर्म मान रहे हैं। ध्येय सूख रही है सो हमको लगता है देखो हम कितना धर्म कर रहे हैं, 10 दिन नहीं खाया, 15 नहीं खा रहा, 16 दिन से नहीं खा रहा, 32 दिन से नहीं खा रहा, ये धर्म है, ये धर्म समझ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य बन गए, ध्येय धर्म भिन्न है, आत्मधर्म भिन्न है। आप ही नहीं सोचना महाराज जी, आप तो 10 दिन की तपस्या का तो आपको तो अनुमोदना करना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, 10 दिन किए, 16 दिन किए, 32 दिन किए, आप तो और ऐसा कह रहे हो। देखो भैया, ये कहने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, जगत में बहुत लिख जाएंगे। इस असत्य को बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्य को बताने वाले बिल्ले जीव होंगे। इसको धर्म मानकर आप अपना अपने आप को धोखे में मत रखना, इसको धर्म मानकर आप अपने आप को धोखे मत रखना। इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो 10 धर्म हमारे जीवन में आए हैं वे क्रिया के धर्म नहीं थे, वे भाव के धर्म थे। मैं व्यक्ति धोखे में धोखे की साधना कर रहा है, धोखे का जीवन जी रहा है, उसे पता नहीं वास्तविकता है क्या। आपको भी कुछ नहीं पता वास्तविकता, जो जैसा कहता जा रहा है वैसा करते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा ऐसा कर लो, कलश डाल दो तो आपका धर्म हो जाएगा, तो तुमने हर्ष कलश हर्ष है कि नहीं, आज कहाँ गया, ये कौन है, मोंटी हर्ष, एक हर्ष है और एक हर्ष नलवाड़ी का भी है। शुभम महाराज जी ने कहा था कि कलश करना, तो हमने कलश कर लिया। महाराज जी ने बोला था हार दे लेना, तो हार दे लिया। हमें तो नहीं पता धर्म क्या है। यदि तुमसे ही पूछा जाए वास्तव में धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हो, धर्म की परिभाषा वास्तव में है क्या। क्योंकि यदि एक एक चीज को धर्म बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभिषेक को धर्म नहीं बना सकते हम, पूजन को धर्म नहीं बना सकते, उपवास को धर्म नहीं बना सकते, क्योंकि जो उपवास नहीं करे वह धर्मात्मा हो जाएगा, जो पूजन नहीं करे वह धर्मात्मा हो जाएगा, जो अभिषेक नहीं करेगा वह धर्मात्मा हो जाएगा। तो धर्म की परिभाषा ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि सब जगह लागू हो, ताकि धर्म है क्या। धर्म वस्तु का स्वभाव है, नेचर, इसका नेचर ऐसा ही है। जैसे पृथ्वी का नेचर सहन करना ही है, वो कभी प्रतिक्रिया करती नहीं है, वायु प्रतिक्रिया करती है, वायु में क्रोध है वो अपना क्रोध दिखाती है, तेज हवा चलती है तूफान आता है, अग्नि में क्रोध है भड़कती है, पानी में क्रोध है उठता है, तूफान वो आता ना जब बाढ़, ये पानी का क्रोध है, वो सबको बहा ले जाते हैं। वनस्पति का क्रोध है, पृथ्वी का क्रोध दिखाई नहीं देता, एकदम शांत। जो वस्तु का स्वभाव होता है ना, जो वस्तु का अपना स्वरूप होता है ना, उसका नाम धर्म होता है। जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वरूप है, उसका नाम धर्म है। क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है, मेरा स्वरूप है जानना देखना, मेरा स्वरूप है मध्यस्थ रहना, मेरी आत्मा का स्वरूप है ज्ञान ध्यान करना, जानना देखना, यही मेरा धर्म है। क्योंकि जो धर्म होता है ना, वो उस वस्तु से पृथक नहीं हो सकता कभी भी। अग्नि, अग्नि की उष्णता उसका धर्म है, ये अग्नि की उष्णता अग्नि से कभी अलग नहीं हो सकती। पानी की शीतलता उसका धर्म है, पानी से उसकी शीतलता कभी भी पृथक नहीं हो सकती। अग्नि से जैसे उष्णता, पानी से जैसे शीतलता, ये उनके धर्म है, कभी पृथक नहीं हो सकते। ऐसी आत्मा से ज्ञान दर्शन ये कभी अलग नहीं हो सकता, यही आत्मा का धर्म है।
वस्तु का वस्तुत्वपना वो वस्तु का धर्म है। ये घड़ी है इसका भी एक धर्म है, ये पेन है इसका भी धर्म है। आप धर्म से मतलब ये मत समझना पूजा पाठ का नाम ही धर्म होता है। धर्म मतलब होता है जो जिसका स्वभाव है अपने स्वभाव में रहना, यही उसका धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, तो पानी जब शीतल रहता है तो अपने धर्म में रहता है, जब पानी गर्म हो जाता है तो अपने धर्म को छोड़ देता है। जब जब व्यक्ति गर्म होता है तब तक अपने धर्म को छोड़ देता है। जैसे पानी गर्म होते ही अपने शीतल धर्म को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसका धर्म है, तो कुछ समय बाद वापस वो फिर से ठंडा हो जाता है। व्यक्ति शांत कब तक रह सकता है? शांत रहने की कोई सीमा नहीं है, शांत लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन क्रोध में लंबे समय तक नहीं रह सकता। जो शांतपना है ना, बस वो ही धर्म है। जितना हमारा समतापना है, शांतपना है, निश्चलपना है, दूसरों से लेन देन नहीं है, दूसरों के लिए कोई विकल्प नहीं है, एकदम अपने में मस्त जो रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना भगवान की भक्ति करना, अपना भगवान को दर्शन करना, अपने भगवान का अभिषेक करा और गया, ये कुछ देख ही नहीं रहा कहाँ क्या हो रहा है, बस यही तय धर्म है। यदि मंदिर में जाकर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, आपका धर्म नहीं चल रहा। आपका धर्म तो उतना ही है जब आप शांत होकर बैठते हो और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में, अपने ज्ञान दर्शन के बारे में सोच, बस वही धर्म होता है। इसलिए इस धर्म को समझना जरूरी है। आज छह वाणी है, आत्मा को पवित्र करने का नाम पर्व है। पर्व किसे कहते हैं? छह वाणी पर्व बोले ना, पर्व। आत्मा को पवित्र करने का नाम पर्व है, जिससे आत्मा का उत्थान हो, जिससे आत्मा का विकास हो, उसका नाम पर्व है। ये क्षमा वाणी पर्व इसलिए आया है आत्मा के विकास के लिए, क्योंकि लंबे समय तक क्रोध यदि हम अपने अंदर रखते हैं तो बैर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लंबे समय तक क्रोध अंदर रखा रहता है तो बैर वो बन जाता है। जैसे लंबे समय तक यदि आपको आम को सुरक्षित रखना है तो आप उसका मुरब्बा डाल देते हो, अचार डाल देते हो। आम को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो क्या करते हैं? अचार बना लेते हैं, सालों साल चलता है। मुरब्बा बना लेते हैं, सालों साल चलता है, वो खराब नहीं होता। ऐसा आम रखेंगे तो सूख कर क्या बन जाएगा? अमचूर बन जाएगा। यदि ऐसे ही आम आपने कली रख ली आम की, तो सूखकर क्या हो जाएगी? अमचूर हो जाएगी। लेकिन उसको वैसे ही हरी भरी रखनी, उसकी साइज कम ना होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जैसा आपने पीस बनाया है वैसे ही पीस बना रहे, सुखड़े नहीं, सूखे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा नील? हैं, क्या करना पड़ेगा भागचंद जी? अचार डालना पड़ेगा। जैसे ही तुम अचार डालोगे, जितना पीस आपने काट के आम के टुकड़े किए थे उतना ही टुकड़ा हरा भरा दिखेगा। आप खाया कभी अचार? क्यों सुबह? और इसका नाम क्या है? राज, चिराग। खाया अचार? देखा अचार? अचार खाने वाले नरक जाते हैं, पता है? नरक का पहला द्वार है अचार। एक दिन के अंदर उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो लंबे समय तक बाजार में अचार की जो बन्नी की बन्नी भरी है, सालों साल उन पर एक्सपायरी डेट डली हुई है। क्यों आदर्श? कितने महीने की डली रहती है? 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, असंख्या जीवों का पिंड बन जाता है वो। इसलिए आचार्य ने अचार खाने वाले के लिए कहा कि अचार नरक का द्वार है। अचार को उदाहरण खाने के लिए नहीं दे रहे, नहीं तुम सोच महाराज जी तो आप तो बोल रहे प्रवचन, तो इसलिए तुम खा रहे हैं। अचार को उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अचार के अंदर वो कैरी, वो आम हरा भरा रहता है,
ऐसी जब हम अपने अंदर क्रोध को बांध लेते हैं और बैर के रूप में उसको जब परिवर्तित कर लेते हैं तो क्रोध अचार बन जाता है हमारा, वो क्रोध हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। और बैर के रूप में जब जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं वो क्रोध फिर से जागृत हो जाता है, जब जब उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वो क्रोध फिर से जागृत हो जाता है। यदि हम उसको बैर के रूप में परिवर्तित नहीं करते तो क्रोध धीरे धीरे जाके सूख जाता, अमचूर बन जाता, लेकिन हम उसको सुरक्षित करके रख लिए अपने अंदर, इसलिए वो आज तक हरा भरा है। ये क्षमा वाणी पर्व उसी बैर को हटाने का दिन है, आत्म उत्थान का दिन है, ये आत्म विकास का दिन है। पर्व जिस नाम पर्व उसी का है जो आत्मा को पवित्र कर दे। संपूर्ण 10 धर्म इसी क्षमा वाणी पर आत्मनिहित हैं। जिसके अंदर क्षमा आ गई मतलब सभी धर्म धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे, और क्षमा नहीं आई तो कोई भी धर्म प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए आज क्षमा वाणी के दिन अंतरंग में, हृदय में ये भावना भाव कि वो भावों से, सिर्फ बातों से या वाणी से या मैसेज से क्षमा ना आए, वास्तव में जिसके प्रति भले तुम उसके पास नहीं जा पा रहे हो, उसके पैर नहीं पड़ पा रहे हो, फिर भी अपने हृदय से तो उसके प्रति कलुषता निकाल दो। कभी सामने दिख जाए तो जय जिनेंद्र कर लेना, कोई उसके बारे में तुमसे पूछे तो उसकी तारीफ कर देना। तारीफ उसी की निकलती है जिसके प्रति हमारे अंदर कलुष भाव नहीं होता। जिसके अंदर हमारे प्रति कलुषता रहती है, क्रोध रहता है, बैर रहता है, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, उसकी तारीफ मुंह से नहीं निकलती व्यक्ति की। उसके प्रति तारीफ नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता उसकी। यदि वास्तव में उसको तुमने क्षमा कर दिया है, जिस व्यक्ति से आपका बैर था, क्रोध था, आप उससे मान लो क्षमा नहीं मांग पा रहे या नहीं हो पा रही आप उससे, तो ठीक है, आप स्वयं में अपने आप को उसको क्षमा कर दो, उसका प्रमाण रहेगा। आप 10 लोगों से उसकी तारीफ कर दो, 10 लोगों जिससे आपका बैर था, जिससे आपकी लड़ाई थी, उस व्यक्ति की आप छह वाणी के दिन, आज से मैंने उसके प्रति अपने अंदर से बैर खत्म कर दिया। जब तुमने बैर खत्म कर दिया तो अब उसको किसी को पता कैसे चले, या तुमको भी अभी लगता है कि वास्तव में खत्म किया है, आज उसकी तारीफ 10 लोगों को कर दो। क्या पता वो 10 लोगों में से एक व्यक्ति ने भी उसको कान में जाकर कह दिया कि भैया वो तो अब तुम्हारी तारीफ करता है, आपकी प्रशंसा कर रहा था, उसके अंदर से ही बैर खत्म हो जाएगा। शब्दों से मांगोगे ना तो खत्म नहीं, वो यही कह रहे सब धोखोसला है, ऊपर ऊपर बोल रहा है, अच्छा वाणी का देने इसलिए सब बोल दिया, बाकी का बैर मेरे कोई खत्म नहीं होगा दोस्त, वैसे ही है वो तो। आप उससे मत बोलो, आप उससे मत करो, कहो कि मैं तुम मुझे क्षमा करो। तुम उसकी प्रशंसा 10 लोगों से कर दो, कोई ना कोई जाकर उसको जरूर बताएगा कि सहने वाला थोड़ी प्रशंसा कर रहा था, तो नियम से उसके अंदर भी आएगा, अरे जब उसने बैर छोड़ दिया है तो मैं क्यों उससे बैर धारण करूं। बस यही है क्षमा वाणी, यही है क्षमा धर्म। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो हम और आगे चर्चा करेंगे। आज क्षमा वाणी पर अंदर से बाहर से नहीं, अंदर से क्षमा है, वाणी से नहीं, भावों से क्षमा है। इसी मंगल भावना साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।